कम पानी और कम फ्यूल में खाना बनाने वाले प्रेशर कुकर किफ़ायती तो होते ही हैं, साथ ही इसमें खाना पकाना बहुत आसान भी है। पर भाई लोग सिर्फ दूसरों की सीटी सुनते हो या खुद भी कुछ बनाते हो प्रेशर कुकर में? All kind of curry, vegetable, biryani, केक, सांबर। प्रेशर कुकर पे खाना बनाने में तो सब माहिर लग रहे हैं, लेकिन आइए देखते हैं उन माहिर लोगों को जो प्रेशर कुकर बनाते हैं। प्रेशर कुकर एल्युमिनियम से बनते हैं, जो कि आसानी से रिसाइकल हो जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रेशर कुकर की बॉडी कैसे बनती है। यहाँ रॉ मटेरियल है ये एल्युमिनियम सर्कल। इसे हीट कंडक्टर बनाने के लिए इसमें एक स्टेनलेस स्टील की छेद वाली डिस्क जोड़ी जाती है, जो कि कुकर का बेस होता है। एल्युमिनियम अलॉय एक फ्लेक्सिबल मेटल, जिसकी वजह से ये मशीन में आसानी से मोल्ड हो जाती है। क्योंकि एल्युमिनियम एक मैलिएबल मेटल है, स्पंज और डाय मशीन में इस एल्युमिनियम डिस्क का डायमीटर 70 डिग्री तक बढ़ा दिया जाता है। आगे बढ़ते हुए ऑटो लुब्रिकेशन मशीन से डिस्क पर ऑयल लगाई जाती है। एलोंगेशन प्रोसेस में पंच और डाई से डिस्क कुकर बॉडी का बेसिक शेप ले लेती है। कुकर बॉडी अब आगे बढ़ती है, जिसके नीचे ईयर, मंथ और मॉडल नंबर और कैपेसिटी स्ट्रेंथ लिखी होती है। इसके बाद बॉडी की वॉल थिकनेस कम की जाती है और हाई 100% तक बढ़ा दी जाती है। इस मशीन में लिड की सीलिंग के लिए किनारों को शेप देते हैं। साथ ही कुकर लिड बॉडी पर फिट हो जाए, इसलिए यहां एज की कटिंग हो रही है। कटिंग के बाद मशीन बॉडी को पिक कर लेती है और उसे फिर वर्कर अपने हाथों से निकाल लेता है। अब देखते हैं प्रेशर कुकर का लिड यानी ढक्कन कैसे बनता है। सबसे पहले एल्युमिनियम ब्लैंकिंग डिस्क को प्रेस और डाई मशीन से बेसिक शेप दी जाती है। एक दूसरे प्रेस मशीन पर छेद बनाए जाते हैं, जिस पर आगे के प्रोडक्शन स्टेज में कुकर सेफ्टी पार्ट्स लगाए जाएंगे। नेक्स्ट मशीन में लीड को रखकर प्रेस करते हैं, जिससे रिम को ऐसे फोल्ड करते हैं कि कुकर बॉडी के ओपन साइड पर सेट हो जाए। ये ऑपरेटर चेक कर रहा है कि फाइनल होल्ड में कोई कमी तो नहीं रह गई। इस ऑटोमेटिक पिक एंड प्लेस मैकेनिज्म की हेल्प से बॉडी और कवर की पॉलिशिंग की जाती है। पहले इन्हें रफ फिनिश दी जाती है और फिर होती है मिरर फिनिश। अब पॉलिश्ड बॉडी और कुकर भेज दिए जाते हैं वॉशिंग प्लांट में, जहां 2 से 3 बार गर्म पानी के प्रेशर से इन्हें धोया जाता है। फिर बॉडी और कवर 1 घंटे के लिए डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 में डुबोए जाते हैं। जिसमें कवर और बॉडी के सरफेस ऑक्सीडाइज होकर ब्लैक हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हार्ड एनर्जाइजिंग कहते हैं। अब प्रेशर कुकर असेंबल होता है। यहाँ पे मिनी MSP यानी कि मेटेलिक सेफ्टी प्लग और ग्रोमेट फिक्स किए जा रहे हैं। MSP से कुकर का प्रेशर मेंटेन होता है। इस ब्लू रबर को ग्रोमेट कहते हैं। ये एक प्रेशर इंडिकेटर है। अगर कुकर के वेल्व स्टेप में कोई ब्लॉकेज होती है तो इसकी वजह से प्रेशर ज्यादा बिल्डअप नहीं हो, क्योंकि ये ग्रोमेट 130 डिग्री सेल्सियस पर ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगा और प्रेशर रिलीज हो जाएगी। इसके बाद लगता है हैंडल।
लीजिए लग गया गैस्केट या कुकर सीलिंग रिंग और कुकर की लीड तैयार है। बॉडी असेंबली में सबसे पहले हैंडल फिट किए जा रहे हैं, साथ ही एक ऑटो लेबलिंग मशीन कंपनी लेबल्स लगा रही है। बॉडी और लीड मैचिंग का काम करते हैं ये होनहार ऑपरेटर, जो देखते हैं कि कुकर का लीड बॉडी पे ठीक से बैठ रहा है या नहीं। तैयार प्रेशर कुकर की अलग अलग क्वालिटी चेक्स होते हैं। पहला है प्राइमरी फंक्शन टेस्ट, जिसमें विसल की फंक्शनिंग देखते हैं। जब प्रेशर 1 kg तक पहुंचता है तो सीटी बज जाती है। इस प्लांट में हर दिन करीब 15,000 प्रेशर कुकर बनाए जाते हैं और महीने के करीब 4,00,000 कुकर का प्रोडक्शन होता है। बॉइलिंग और स्टीमिंग के मुकाबले प्रेशर कुकर में खाने विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रिटेन होते हैं, इसीलिए कुकर में बनी दाल हो, सब्जी हो या कोई भी नॉनवेज आइटम, स्वाद आपकी जुबान पे हमेशा रहता है। और आज आप ये जान भी गए कि किचन का ये स्मार्ट इक्विपमेंट कैसे बनता है एक इंडियन फैक्ट्री में।